कमर्शियल व्हीकल में जब भी आप इलेक्ट्रिक रिक्शा या इलेक्ट्रिक ऑटो की बात करते हैं तो मयूरी का नाम आपके जबान पे सबसे पहले आएगा, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले अगर ई रिक्शा की शुरुआत हुई थी तो वहां पर सबसे ज्यादा मयूरी ही हमने देखा था। लेकिन मयूरी किस कंपनी का व्हीकल है और इसके अलावा कंपनी क्या कुछ और बेचती है, तो उन सभी सवालों के जवाब आपको आज के हमारे इस वीडियो में मिलेंगे। मेरे साथ हैं सुदीप बैनर्जी, जो कि सेरा इलेक्ट्रिक ऑटो लिमिटेड के प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी हेड हैं। सर, स्वागत है आपका ऑटो जंक्शन पर। और सबसे पहला मेरा यही सवाल होगा कि लोग मयूरी को तो बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन आप मयूरी के पीछे की कहानी बताएं कि कब कंपनी की शुरुआत हुई, मयूरी के अलावा कंपनी और क्या कुछ भारतीय बाजार में ऑफर करती है। बेसिकली हमारा जो कंपनी है सारा इलेक्ट्रिक जी लिमिटेड, इसके इधर में हमारी जो अगर आप हिस्ट्री देखें तो हमारी एक वो कंपनी है जो सातरा ग्रुप है, जो पिछले 40 साल से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जुड़ी हुई है। और हम OEM पार्ट सप्लायर है वेरियस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक मारुति उद्योग, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइशर मोटर्स, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर्स। तो जर्नी हमारी वहाँ से शुरू हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें कि ई रिक्शा का जो कॉन्सेप्ट इंडिया में आया है जी, उसके पीछे हमारे जो चेयरमैन है मिस्टर विजय कपूर, उन्हें फादर ऑफ ई रिक्शा के नाम से भी इंडिया में जाना जाता है। तो ये बेसिकली एक कमर्शियल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा गया था इनिशियल स्टेज में। एक इंसिडेंट था जहाँ गर्मी के दिनों में दिल्ली में पैडल रिक्शा में लोग रिक्शा चलाते थे, और विजय कपूर जी दिल्ली में किसी पैडल रिक्शा के में बैठे सफ़र कर रहे थे। तब उन्हें ये लगा कि किस तरह से हम इन लोगों को हेल्प कर सकते हैं अगर हम इस प्रोडक्ट को एक मोर कन्वीनियंट तरीके से बनाएं, तो फिजिकल लेबर जो होता है एक पैडल रिक्शा में उसको किस तरह से एलिमिनेट करके एक मोटर लगा के इसे इलेक्ट्रिक रिक्शा में हम ला सकते हैं। तो बेसिकली ये जो आइडिया था टू इंश्योर कि जो फिजिकल लेबर होता था पैडल रिक्शा में उसको हटाया जाए और उसके जगह पे एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिकल ऑप्शन कस्टमर को प्रोवाइड किया जाए, और इसी तरह से ई रिक्शा की स्थापना हुई। तो बेसिकली 2011 में हमने इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया था, और हमारी जो प्रोडक्ट मयूरी है ये भारत की पहली कंपनी है जहाँ जिस ब्रांड को आईकैट का अप्रूवल भी मिला था जी। तो संक्षेप में यही बताना चाहूँगा कि एक करीब 13 साल हो चुके हैं जब हम ये मयूरी ब्रांड के साथ जुड़े हैं। मयूरी हमारे भारत का नेशनल बर्ड भी है। तो जी, आज जो एक शुरुआत 2011 में हुई है उसके बाद अगर आप जमी देखें तो आज एक हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या है, और बेसिकली ये जो ई रिक्शा का माध्यम से कई लोगों को आज रोजगार प्रोवाइड किया जा रहा है, और इससे बहुत लोगों को इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो रहा है। तो एक सिर्फ प्रोडक्ट बेचने तक ही ये बात ख़त्म नहीं होती है, इससे कई लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये जो आज कुछ कुछ स्टेट से बढ़ के हर शहर हर गांव तक ये पहुंचा है जी। तो जब स्टेट और शहर की बात हुई है तो कितने शहरों में या कितना बड़ा अभी तक डीलर नेटवर्क हो गया है, मतलब कितने शहरों में पहुंच चुका है मयूरी? आज की तारीख में हमारे 450 से अधिक डीलर हैं भारत के सभी मुख्य स्टेट्स, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, इसके अलावा दिल्ली, इसके अलावा आसाम, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो ये सभी जो हमारे भारत के जो स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स आज कई संख्या में इनका मतलब अडॉप्शन हो रहा है, तो यहाँ हम मोस्ट ऑफ द सिटीज में हम अवेलेबल है, इधर थ्रू डायरेक्ट डीलर या थ्रू सब डीलर हमारे नेटवर्क है हर शहर हर जिले। और दोस्तों, आज हम आए हैं प्रगति मैदान में, यहाँ पर फ्रेंचाइजी एक्सपो लगा हुआ है, और फ्रेंचाइजी के बारे में ही है ये। तो अगर किसी को फ्रेंचाइजी लेनी है या डीलरशिप लेनी है तो क्या कंपनी देखती है, क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब कितना बजट चाहिए या कितना स्पेस चाहिए, अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मुझे कितने पैसों की ज़रूरत होगी और कितनी मुझे जगह चाहिए? बेसिकली जो रिक्वायरमेंट ऑफ डीलरशिप होती है वो सिटी टू सिटी वेरी करता है, जैसे मार्केट साइज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी चेंज होता है। अगर ए कैटेगरी
बी कैटेगरी सी कैटेगरी मतलब टायर वन टायर टू टायर थ्री सिटीज में वॉल्यूम के हिसाब से कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर बाइंग जो गाड़ियाँ खरीदते हैं उसका इन्वेस्टमेंट होता है, इसके अलावा एक शोरूम जैसे जिसमें 800 से 1000 स्क्वायर फीट का शोरूम मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, 500 से 600 स्क्वायर फीट का वर्कशॉप एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर मैं एक टायर टू सिटी की बात करूं जहां 15 से 20 गाड़ियां का पोटेंशियल है, तो एक अगर ई रिक्शा का सेगमेंट देखें तो 125 से लेके 185 तक की गाड़ियां का रेंज होता है मोस्ट लाइकली, मतलब सवा लाख से लेके 2 लाख के बीच में गाड़ियां आती हैं। तो अगर 15 गाड़ी की बात करें तो करीब करीब 30 लाख का तो गाड़ी पे इन्वेस्ट होगा। और अगर इसी को लेके अगर आप बड़े शहर में जाएंगे जहाँ पे जैसे लखनऊ कानपुर जयपुर ये भारत के 3 सबसे बड़े शहरों में जाना जाता है जहाँ ई रिक्शा का बिजनेस होता है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी चेंज होगा। अच्छा कुछ कंपनियों में क्या होता है सर कि अगर डीलरशिप आपको लेनी है या फ्रेंचाइजी लेनी है तो आप कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है उसी को देती हैं, तो ऐसा भी है कुछ, या जो फ्रेश है जिसने ऑटो में डीलरशिप वगैरह नहीं है जिसके पास वो पहली स्टार्ट करना चाह रहा था उसको मिलेगी? नहीं, ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि उसका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा होना ही आवश्यक है। हम जब किसी भी मतलब व्यक्ति से बात करते हैं जो इच्छुक हैं डीलरशिप लेने के लिए, तो हम स्टडी करते हैं वो उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, अगर वो किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में तो किस टाइप का बिजनेस करते हैं, और हम अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईवी बिजनेस में है जैसे अगर टू व्हीलर या दूसरा कोई थ्री व्हीलर है तो हम चाहते हैं एक्सक्लूसिव डीलर अगर हो तो एग्जिस्टिंग थ्री व्हीलर डीलर को हम प्रायोरिटी उतना नहीं देंगे, क्योंकि वो प्रायोरिटी फिर मिसमैच होता है क्योंकि वो दूसरा ब्रांड भी बेचेगा हमारा ब्रांड भी बेचेगा। तो प्रेफरेबल हमारा रहता है कि एक्सक्लूसिव डीलर हमारे साथ जुड़े और बेसिकली उसका हम एजुकेशनल बैकग्राउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड का रिव्यू करके उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि इन्हें डीलरशिप देनी चाहिए। सर अभी कंपनी के अंदर मयूरी तो पॉपुलर है ही, इसके अलावा और क्या कुछ है जो कंपनी फिलहाल भारतीय बाजार में बेच रही है? हमने लास्ट ईयर दिसंबर में सायरा इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट लॉन्च किया मार्केट में जी, जो आप यहाँ प्रोडक्ट देख रहे हैं जी। तो इसमें हमारे पास 2-सीटर, 4-सीटर, 6-सीटर, 8-सीटर पैसेंजर एज वेल एज कार्गो ऑप्शन व्हीकल्स अवेलेबल है। तो ये एक यूनिक प्रोडक्ट है क्योंकि ये होलोकॉक बॉडी में बना हुआ है, इसमें लेड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी के दोनों ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। ये हम डायरेक्ट इंस्टीट्यूशंस को हम बेच रहे हैं, इसके लिए हम डीलरशिप प्रोवाइड के थ्रू नहीं बेचते हैं। ये बेसिकली जैसे होटल्स हो गए या रिसोर्ट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए हैं, या कोई इंडस्ट्री हाउस है जहाँ एक जगह से दूसरी जगह अगर एम्प्लॉयज़ को ट्रैवल करना है तो इस तरह के प्रोडक्ट बड़े प्लांट्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा सर जैसे ये पीछे एक व्हीकल है, पीछे जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली हमारा ये नया प्रोडक्ट जो हम आने वाले कुछ महीने में लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, ये बेसिकली हाई स्पीड इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है। इसमें बेसिकली आपका कार्गो ऑप्शन अवेलेबल है और ये आपका पैसेंजर सेगमेंट में ऑटो अवेलेबल है। तो ये हम करीब आने वाले 1-2 महीने में लॉन्च करने के प्लान कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सर इलेक्ट्रिक के अंदर टू व्हीलर में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो टू व्हीलर के बारे में आपका क्या प्लान है? टू व्हीलर में हमारा कुछ ही दिनों में हमने यहाँ पे एक प्रोटोटाइप प्रोडक्ट रखा हुआ है जो बेसिकली इलेक्ट्रिक हाई स्पीड टू व्हीलर मोपेड है जी, जिसे हम कुछ महीने में लॉन्च करेंगे। इसके अलावा हमारी कंपनी टू व्हीलर इंडस्ट्री में जैसे हम चेसिस और फ्रेम्स बनाते हैं और कई सारे OEMs को हम ये चेसिस एंड फ्रेम्स सप्लाई करते हैं। तो मयूरी के पीछे की कहानी आपको आज इस वीडियो से पता चल गई होगी, फिर भी आप इसके बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं या फ्रेंचाइजी एक्सपो के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, और सर से अगर हमारी आगे इन फ्यूचर मुलाकात हुई तो आपके जो भी सवाल होंगे हम सर से फिर पूछेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऑटो जंक्शन पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू सर।